हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है, मैंने सोचा तो है इस साल इंशाल्लाह सारे दिन का मतलब होता है पूरे रमज़ान मैंने व्लॉगिंग करनी है, लेकिन अल्लाह हिम्मत दे तो मैं कर लूँगी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो वो ये कि पहला रोज़ा भी है तो वो एक खुशी भी है, और दूसरा ये कि आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान और आज हम सब एक साथ इंशाल्लाह इफ्तार खोलेंगे। सही बोला है? हाँ, वैसे मैंने सही बोला, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, टाइम हो रहा है 9:30 और अब चलते हैं नीचे। उसके बाद नीचे चल के नीचे के हालात देखते हैं कि कौन कौन उठा रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नीचे चल के आप लोगों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताशो। वालेकुम सलाम ताशो। मैं भी ठीक हूँ। रोजा रखो, मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। इस वक्त हमने लोजा रखा है। कहाँ रखा है लोजा? एक पाइनल घर में लगा है। क्या रखा है? हैं, लोजा रखा है तुमने? मैंने तो खुद लोजा रखा है। दुआ पड़ी थी लोजा रखने की? हाँ पड़ी थी। हैं, अल्लाह बुबके दिखाओ। हो मक्खी आ रही, मक्खी आ रही, मक्खी भगा रहे हो? मक्खी भगा रहे हो? हाँ, करूँ कैमला जी, इधर करूँ कैमला। कौन आई? चुकली अंदर गई। हाय हाय, इस वक्त तो नीचे बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, मेरे ख्याल से सब सो रहे। कुछ भूल गया जी? वेरी नाइस, रमज़ान में इस वक्त ये रूटीन होती है, सब सो रहे होते हैं, मैं उठ जाती हूँ। मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ फिलहाल वो करने के लिए। तो फिर वापस आएंगे, फिर आप लोगों के साथ ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी वैसे भी सब सो रहे हैं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, तो इतनी बेसिक सी चीज़ होती है बर्फ़ जो कि नहीं जमी हुई आज हमारे घर। 11 बज रहे हैं गाइस, 11 सुबह के। अब मैं बर्फ़ जमा रही हूँ, क्योंकि एक शरबत वरबत बनाएंगे। ये तो खुल ही नहीं रहा, मैं जद्दोजहद करती हूँ खोला। नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला। ओके गाइस, मेरी अम्मी ने मेरे व्लॉग की चेक कर लूँ और कहा कि मैंने निकाल दिए, फिर वापस ऐसे ही रख दिए, फ्रिज बंद कर दिए। तुम जब ब्लॉग बंद करो तो निकाल लेना, लोग समझे कि तुम से ही निकल। और अम्मी ने सुन लिया था, ये देखो मैंने निकाल लिया। ओके, तो इसमें बर्फ जमाते क्योंकि शाम में शरबत पीना है भाई। तो ईशान ने जो है वो आज रोज़ा रखा है, और ईशान का रोज़ा अभी खुलने वाला है क्योंकि हम सब ने रोज़ा खोल लिया है। और ये देखिए, हम सब ने रोज़ा खोल लिया गाइस, हमने खोल चुके हैं। आप लेट हो गई हो, आप लेट हो गई, हम सब रोज़ा खोल चुके हैं। मम्मा से पूछ लो, पूछ लो मम्मा से, पूछ लो मम्मा से, हम सब रोज़ा खोल चुके गाइस। और ईशान ने पूछ लिया सब बिल्कुल लेट, और जो है देखिए गाइस, और हम लोग तो रोजा खोल चुके हैं। अब बारी है ईशान के रोजा खोलने की, तो अब ईशान को रोजा खुलवाते हैं गाइस। थोड़े काम हुआ मुझे, फ्री होके मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि मुझे वजू करना था, मुझे स्किन केयर करना था, मुझे कपड़े चेंज करने थे। तो अब मैंने सब सारा काम कर लिया, मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि अब तो कोई काम नहीं है फिलहाल करने के लिए, क्योंकि जो गैस की लोड शेडिंग है वो हमारे घर भी हुई है क्योंकि वो सब जगह हुई हुई है। तो गैस आएगी 3 बजे, 3 बजे के बाद हमने काम शुरू करना है। तो अभी बज रहे हैं 1, तो मेरे पास अभी 2 घंटे में इबादत कर सकते हो।
उसके बाद फिर हमें काम करना होगा, काम करने के बाद सिर्फ हमारे पास नमाज 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 करके आप बचेगा, क्योंकि फिर आज मेहमान होने आने हैं और सारा काम करना है। तो जल्दी से नीचे चलते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं और फिर जो जो चीज़ आगे करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या हो गया? नहीं, तुम्हारा रोज़ा है ना भाई, मान लो दो रोज़े होते हैं ना, हमने चार कोई वाला रोज़ा करवाया, वो जो दूसरा वाला रोज़ा होता है ना, वो वाला होता है ना भाई। तुमने ए रुक जाएगी, उसमान तुमने कॉल की थी ना मुझे उस वक्त दोपहर में, जब तुमने मुझे कॉल की थी अभी थोड़े पहले, तुम मुझसे पूछ दी भाई खाना क्या पकाया। तो भाई तीन दफ़ा अगर रोज़े खुलते हैं ना तो वो 12 बजे वाला ही तो खुलवाया है, उसको तो सही तो खुलवाया है। अब ये बोलिए कि नहीं मेरा अभी भाई अभी दुआ पड़ी है, अभी इसका रोज़ है ना, अब इसका रोज़ा उस वक्त खुलेगा जब शरबत में चीनी चखनी होगी। ये उस्मान का ना मजाक उड़ा रही है कि उस्मान का रोजा नहीं है, मैंने बोला इशार का रोजा है। ये जो है ना आप लोगों की कान डाल कर उस्मान चुप हो जाओ, अभी हम बहुत जरूरी बात करें। तो मानो अभी इशार का रोजा जब खुलेगा, जब वो चीनी चखनी होगी ना उसमें शरबत में और दही बड़ों में, जब वो नमक और चीनी का चखना होगा, बस ये इसका रोजा उस वक्त खुल जाएगा। तो वो तीन वाला जो रोजा था कोई वाला तो रखवाया है इसको, नहीं इसका रोजा है, इसका रोजा है। और अब चलो तुम चल के नमाज पढ़ो, नमाज पढ़नी है ना, चलो नमाज पढ़ो। आज हमारे घर पे सबका इफ्तार है, 3 बज गए, अभी तक गैस नहीं आई है, गैस नहीं है, कोई काम नहीं हो सकता, गैस के बगैर क्या हो सकता है जी। हाँ खा लो, खा लो, तुम्हारा तो रोज़ा है, तुम्हारा वो वाला रोज़ा है जिसमें तुम काबिल हो तो रोज़ा चलता है। तो हम वेट करें गैस का, गैस आती है तो फिर हम कुछ करते हैं, ऐसे फारिग लेते हैं। ओ हमारे गैस आ गई, 3:05 पे हमारे गैस आई और मैंने चेक किया तो पता चला कि गैस आ गई। हाँ गैस आ गई, मम्मा चला रही थी, मम्मा से चलाई थी, मैंने बोला मोए मोए मोए, और हमारे गैस आ गई। अब हम सारा गैस का काम करना शुरू कर रहे हैं, यस। अच्छा ठीक है, हम कर रहे हैं पक्का बंद, क्योंकि हमने मानो मानो मानिए सो गई है। अब मैं और अम्मी मिलके जो है वो कर रहे हैं, ये फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं, सारा काम करते हैं, क्योंकि अब टाइम का ओके गाइस, उस्मान उठ गया है, अब उस्मान जो है वो बनाएंगे शरबत। उस्मान अभी ऐसे जैसे आपको लग रहा है ऐसे बच्चा, अभी आपको उस्मान अभी शरबत बनाएगा गाइस, और ये मेरे साथ अभी हेल्प कराएगा, मेरा हेल्प कराएगा, अभी आप उसे देख रही हेल्प कराएगा, अभी गाइस ये हेल्प कराएगा, अभी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ था लेकिन अभी उस्मान ठीक हो जाएगा गाइस। ओके गाइस, उस्मान मेरे साथ देखिए हेल्प करा रहे हैं, हेल्प हेल्प हेल्प, ये देखिए गाइस हम लोग टैंक बना रहे हैं और उस्मान मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं, हेल्प। हाँ विशाल देख लीजिए, उस्मान तो दिखा शक्ल में देखेगी तो प्यारा शहजादा माशा, ये देखिए गाइस ये उस्मान बना रहे हैं, और हमारे यहाँ गाइस उस्मान ही बनाते हैं ना भाई, नानू आने वाली ना इसलिए उस्मान बना रहे हैं। मैं विशाल और उस्मान जो बना रही हूँ शरबत, बाटी के लंबे का सारा काम हो गया, बस फ्राई करने वाला काम, वो फ्राई करने वाला काम रह गया, वो होगा 5 बजे के बाद मतलब। अच्छा जी पानी बाहर आ रहा है, अभी इसको देखते हैं। तो हम लोग जो है वो शरबत बना रहे हैं फिलहाल, शरबत हमारे बन चुके हैं, यहाँ पे दही बड़ों की, दही भले या दही बड़े जो भी कहते हैं उनकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये हम माश की दाल के बनाते हैं, प्याज कट रही है क्योंकि ब्लैक वाले जो चने हैं उसमें ये वाली प्याज डलेगी, बाकी ये जो है ये वाइट वाले छोलों के लिए हो रहा है, यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक वाले छोले बॉयल हो रहे हैं, वाइट वाले छोले जो हैं वो इधर बॉयल हो चुके हैं। अब सिर्फ क्या रह गया है, कुछ नहीं, सिर्फ फ्राई वाला काम रह गया, मैंने पहले ही बोला था फ्राई वाला काम रह गया, लेकिन नहीं थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ रह ही रहा है। तो चलो ये भी हो जाएगा पैर, थोड़ा रेस्ट कर। जब भाभी निकाल ली है ना तो नहीं, इस वजह की भाभी हमें सिखाती दरअसल कि व्लॉग कैसे बनाना है। नहीं नहीं फिर जब बनाने लगी तो टूटा वाला आलू आ रहा था। ए हाय नहीं भाभी आप बना रही, बस यही बहुत है। तो जी फ्राइंग फ्राइंग वाला काम शुरू हो गया, उधर पकौड़े इधर रोल, तो बस अब हम फ्राई करते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम कम है। तो हमारे चल रहा है भाई फ्राई का काम, अब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, हम जल्दी जल्दी फ्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जी। शान रमजान वो आया हुआ है ना, लगाओ शान रमजान, शिराज आया हुआ है, लगाओ जरा शान रमजान, खोलो फौरन शान रमजान। अच्छा लग रहा है उस्मान आया हुआ है। हां भाभी वो अहमद आते हैं ना, अहमद अहमद के साथ अब आ रहा है ना जफा। यार मेरे कपड़े इस्त्री नहीं है, बहुत ज्यादा काम करना था तो मम्मी बेचारी मेरे कपड़े इस्त्री कर रही है, और मैं जल्दी जल्दी व्लॉग भी बना रही हूँ और मैं चीजें फ्राई भी कर रही हूँ।
और यहाँ पे अब ये लोग चीज़ें ऊपर जाके रखना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे इसको फ्राई भी करना है, चेंज भी करना है और मुझे ऊपर भी जाना है इसको फिर रखना। तो लोग मतलब मैं अकेले फ्राई नहीं करी, भाभी मेरे साथ फ्राई कर रही है। मैं ये बोली अभी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, तुम लोगों ने कितने कितने रोलर समोसे बनाए? कौन कौन से बनाए? मैंने नहीं बनाए। भाभी बोली हमने दो बनाए, रोल बनाए हैं, बाजी को चीज रोल बनाए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से हैं? मैंने तो सब एक साथ कर दिए। चेक कर लो ना क्या हो गया। बांटने के लिए कैसे पता चलेगा? लोगों को दे लो, कैसे पता चलेगा? तोड़ना पहले देखना कौन कौन से हैं, वो तोड़ के रख देना, बोलना वो कट काट के हमने रखी। वेरी नाइस भाभी, मसला सॉल्व। मैंने भी ये चीज सोची थी। डीप रोस्ट कर रहे किया है हमने, इसको यहाँ रखते हैं और फ्राई करते हैं। इनकी तैयारी खत्म नहीं हो रही है, रोजा रखा हुआ है, अजीब दावत है ना, दावत है, काम है भाई, काम करो आके। ये एक बैठी हुई है, आपके पास और कोई काम नहीं है, है? ये रोजगार है, सर पे दुपट्टा है, नहीं रोजगार है, सर पे दुपट्टा नहीं रोजगार है ना। ये लोग ऐसे, आए हाय अल्लाह, मेरे बच्चे आलू छील ले मुन्ने, हाय अल्लाह मेरा बेटा आलू छील ले। यार आई है और हम अपना फ्राई वाला काम कंटिन्यू रखते हैं। वही मैं थोड़ी थोड़ी देर में कैमरा उठा रही हूँ, भाभी अभी भी गई नमाज पढ़ने, मैं पढ़ चुकी थी नमाज, अब वो नमाज पढ़ के आई थी, फिर मैं अब दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साथ देख रही हूँ, और अब मैं दोनों दोनों चीज़ों को एक साथ कर करके निकाल लूँगी, क्योंकि ये वाले रोल अलग हैं, ये वाले रोल अलग हैं। यहाँ टेरेस पे हमने इंतज़ाम किया था लोगों का, तो चांदनी दरी वगैरह हम सब ने बिछा दिए कि लोग आएँ तो यहाँ पे बैठे, बस दस्तरखान लगाना रह गया था। रमज़ान रमज़ान सुगड़ होती है बस, ये सिर्फ रमज़ान रमज़ान, चलो कभी आपको सिर्फ रमज़ान में इफ्तारी के वक्त ही सुगड़ दिखेगी, वरना पूरे 11 महीने ये नेस्ती सुस्ती पड़ी रहती है। इतना कम टाइम रह गया, शायद से आधा घंटा रह गया, और अभी हमने बहुत सारी चीजें फ्राई करनी है, अभी हमारा ये भी रह गया, ये भी रह गया, तो किचन में आ गई वानिया। वानिया कह रही भाई मैं बना लूंगी पकौड़े, क्योंकि भाभी ऊपर गई है, मैंने आपको बताया था चेंज करने नमाज पढ़ने के, तीन बच्चे, बल्कि अब शायद भाभी की भी छन छन की आवाज़ आ रही है, तो भाभी भी आ गई है। अब ये लगी है पकोड़े बनाने, तो ये अब करेगी पकोड़े, मैं इसको ये खाली करके दूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा सामान रह गया और टाइम भी बहुत कम है, और ये भी अपना ब्लॉग बना रहे, तो गाइज आपने हम दोनों के ब्लॉग्स को देखना है, ठीक है गाइज? ओके गाइज, तो ये ऑलमोस्ट इफ्तार जो है वो हो गया है सबका अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे टिड्डे टिड्डे छोटे छोटे से बच्चे, इधर किधर है आप? ये उस्मान, गाइस उस्मान के साथ अभी बहुत मुश्किल एक पसला हो गया था उस्मान के साथ, आप जैसे कि उस्मान का मुंह देख रहे हैं, और अब आप उस्मान का पैर देखें, ये देखें गाइस, थोड़ा हंसो तो, थोड़ा सा नहीं हंसोगे? अच्छा तो सीन ये हुआ था कि हम जब इफ्तार बना रहे थे तो, अच्छा भाई ये बताएंगी, आ जाइए इधर आइए जी जी, वो इधर से आ रहा था जी, किधर से आ रहा था? जैसे रो के बता रही थी वैसे बताओ ना। इधर से आ रहे थे, हाँ दरअसल वहाँ पे ये लोग खेल रहे थे, और वहाँ से ये लोग यहाँ भागते भागते आ रहे थे, वहाँ से बाइक वाला आया, बाइक वाले ने ठोका उस्मान को बहुत स्पीड से, और उस्मान की चोट लग गई। तो हम इफ्तार से ठीक 5 मिनट पहले उस्मान को लेके गए डॉक्टर के पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान को कुछ भी नहीं हुआ, इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकी। तो अभी माशाल्लाह उस्मान बिल्कुल ठीक है। हाँ ये बहुत रो रही थी, क्योंकि क्या हुआ था, दादू ने बहुत डांटा था, इस वजह से ठोटा था, तो तुम रो रही थी, है मेरी बेटी शहजादी माशाल्लाह, जान से मार दो, हाँ मारेंगे उसको जान से, मेरा बेटा तो ठीक है ना माशाल्लाह से, मारेंगे 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 मारेंगे। तो बस ये दरअसल हो रहा है, इस वजह से ब्लॉग नहीं कर सकी, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी, तो बस मैं अभी आगे जो चीज़ होती है आप लोग शेयर करते हैं। ओके गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग, बस आज मैं ब्लॉग बहुत अच्छे से नहीं कर पाई उस्मान की वजह से, क्योंकि उस्मान के साथ बहुत सडन ये सीन हो गया था, और हम लोगों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमारे घर मेहमानों ने भी आना था, और इफ्तार से 5 मिनट पहले ये सीन हुआ, हम उसको हॉस्पिटल लेके भागे, तो बड़ा एक अजीब सा कुछ सीन हो गया था। खैर उस्मान को आप लोग अपनी ख़ास दुआओं में बहुत याद रखिएगा, स्पेशली रमज़ान है, रमज़ान में तो वैसी बहुत सारी दुआएँ कबूल होती हैं, आप लोगों ने उस्मान को ज़रूर दुआ में याद रखना, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि उसको अभी बहुत तकलीफ़ है। मैं किसी और ब्लॉग में कल
या कभी भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ अब तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर उसी कुछ वीडियोस हमने बनाई है कुछ पिक्चर्स वगैरह वो मैं ज़रूर लगा दूंगी, अभी तो मैं नहीं लगा रही। खैर अभी करी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करने आप लोगों ने लाइक, चैनल को पढ़ने आप लोगों ने सब्सक्राइब। ओके अल्लाह हाफिज़।